हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हैं ओए पढ़ले। आज आपको कुछ हमारे चैनल पर नए गेस्ट दिख रहे हैं, अश्वनी सर और मिस गुंजन, इनका जस्ट अभी सिलेक्शन हुआ है केवीएस पीआरटी में, है ना। हाँ जी, और अश्वनी सर तो पहले से और ही उससे पहले बिहार में सिलेक्टेड टीचर हैं, और फिर उसके बाद अब डेज भी चेस साइड पर उनका हमने बिहार से हमने गलत अब मुझे मोटिवेट कर ग्रेजुएशन का दिया स्वाद लग गया है। चलो बताओ। तो भाई हम 5 तारीख को जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हुए, चाहे वो केवीएस में हो या फिर डीट प्लस जो टीचर्स हैं, वो 5 तारीख को हम सारे एक छोटा सा मीटअप ऑर्गेनाइज करने सोच रहे हैं, जिसमें आप लोग भी आ सकते हो और आप लोगों को आना भी है, जिसमें हम शुरुआत एक बार बताओ सर। हम रख रहे हैं भाई एक छोटा सा मीटअप, जिसमें छोटा सा मतलब इन द सेंस कि उसमें कुछ सिलेक्टेड टीचर्स आएंगे, और जो डीएसएसबी केवीएस एईएस में या जहां भी सिलेक्टेड है, प्लस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कारणवश अभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आगे 2024 में आप लोगों ने देख लिया वैकेंसी का आना ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, आगे फिर दोबारा से भी ऐसा करेगी, केवीएस की भी फाइल्स आ चुकी है, तो क्या पता केवी की भी दोबारा वैकेंसी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें देखने को मिल जाए। तो इस नए साल को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करते हुए हम सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक छोटा सा गाइडेंस सेशन की तरह एक काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेशन रखते हैं, एक मीटअप गेट टुगेदर, जिसमें हम बाय बाय कहेंगे इस जाने वाले केवी को, और फिर उसके बाद वहां बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे, तो वो सारी चीजें एक बार हम डिटेल में आप लोगों को हिमांशु सर बता रहे हैं। देखो शुरू में तो हम जो भी भाई केवीएस के बच्चे आएंगे सिलेक्टेड वाले, हाँ वो छोटा मोटा जो इनकी श्रद्धा होगी वो सेलिब्रेशन कर लेगा वहां पे आके, ठीक है। मतलब यार जो बच्चे सिलेक्टेड है उनके लिए थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन मोमेंट हाँ रखेंगे, तो आप लोग ताकि जो सामने बच्चे आएंगे ना उनको भी पता है, हम जब मर्सिडीज में बैठते हैं ना तब हमें लिटरली लगता है यार मर्सिडीज लेनी चाहिए हमें, तब हम मेहनत करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से जब आप लोगों को दिखेगा ना कि सिलेक्टेड टीचर्स के आप मजे हो गया, तो जो कितना टेंशन फ्री हो रहे हैं, क्या मस्त फील हो रहा है इनको, तभी हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएंगे, भाई तैयारी करनी है अब, समझे। तो इसलिए एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट होगा। और दूसरा फिर हम बिल्कुल A to Z D++B की प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले, चाहे उसके सिलेबस के बारे में, चाहे उसकी स्कोरिंग को लेके, टाइम को लेके, तो A to Z सिलेबस या फिर सोर्सेज को लेके सारी चीज उसके बारे में डिस्कस करने वाले, ताकि जितने भी अब कि अब नया जो माहौल बनेगा वो DSSB बनेगा, है ना, बिल्कुल ताकि जितने भी बच्चे हैं जब तैयारी के बीच में अगर तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं तो वो एक बार फिर से बूस्टअप हो जाए, है ना। हाँ। तो ये और फिर DSSP के बाद जब अगला हमारा सेशन उसी में, मतलब इस मीटअप को हमने अलग अलग डिवाइड कर रखा पार्ट्स में, तो फिर थर्ड पार्टीज का क्या होगा, जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके साथ जो बच्चे आएंगे तैयारी करने वाले बच्चे, वो एक उनका 1-to-1 डिस्कशन काइंड ऑफ, या फिर उनसे एक तरह से कि भी आप ठीक है आप एक दूसरे से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, अपने कॉन्टेक्ट शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फिर बाद में किसी से अगर कुछ पूछना होगा पर्सनली आप उनसे पूछ सकते हो, आप किसी ऐसा ना बैठ किसी के नीचे, मतलब और नहीं तो हमारी YouTube के नीचे केवल कमेंट करते हुए दुखी ना हो कि सर इसका बता दीजिए प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं हो रहा हो। आप डायरेक्टली उन टीचर से मिलिएगा, उनसे बात करना, अपने सारे डाउट्स पर्सनली पूछ पाओगे, ऐसा एक सेशन भी रखेंगे हम। और लास्ट में एक छोटी मोटी भाई बोर भी हो गए होंगे इतने बच्चे, तो थोड़ी एक दो गेम रख लेंगे, ठीक है। हाँ, एक बढ़िया मस्त गेम रखेंगे, और हाँ। उसमें फिर हिमांशु सर आप इतनी हाइट से बंजी जंपिंग कर जो ट्रैम्पोलिन पे हमने की थी तो बस नहीं है, ठीक है भाई, और जल्दी आप लोगों को गुंजन का इंटरव्यू मिलने मिल जाएगा। गुंजन वो लड़के जो हमारे ड्रीम केवीएस में थी, ड्रीम केवीएस को मोस्टली हर एक बच्चा जानता था, और क्या है कौन से ड्रीम केवीएस के बच्चे हैं, तो वो भी आप लोगों को उस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। ड्रीम केवीएस वाले और ड्रीम D++B वाले भी उस दिन आएंगे, हाँ, है ना। और भी जो हमारे साथ कोचिंग में जुड़े हुए हैं वो भी प्लीज आना, और फिर मिलते हैं भाई वहां, ठीक है जी। एक फॉर्म डाल रहे हैं हम पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ताकि हमें एक आइडिया आ जाएगी 100, 200, 300 कितने बच्चे आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम वहां पे हम हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा या कम बच्चे आ रहे हैं, ठीक है जी। और एक भाई 5 जनवरी को हम डेट बता दी है, प्लस जगह शालीमार बाग, ठीक है। शालीमार, तो शालीमार बाग में जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको पता लग जाएगी, आपको फिलहाल अभी क्या करना है, जो नीचे फॉर्म दिया हुआ है उसको भरना है। और क्या कहते हैं एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट प्लेस तो वही है, जो जिन बच्चों ने हमारे पास इंटरव्यू दिया ना, तो जहां पर आप लोग इंटरव्यू देने आते थे वहीं हम करेंगे अपना मीटअप, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, श्री राम। अगर आपका भी कहीं सिलेक्शन हुआ और आप अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर करना चाहते हो, बच्चों को अपनी स्टोरी के थ्रू मोटिवेट करना चाहते हो थोड़ा ज्यादा किसी भी तरह से, तो आप प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे,
मेल कर दीजिए, हम आपसे तुरंत कांटेक्ट कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तू भी बोल। क्या बोलूं मैं? अरे एंड तो क्या करो करो बंद करो सर, बोलने के आते दादू बोल। बाय 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 सर, बाय बाय बोलो। हां हां मैं भी आ रही हूं। बाय बाय। हां जी सर, मैं बोल ही मिलते हैं 5 तारीख को, मैं गायब हो गई तो क्यों हो गई, पागल है क्या? चल बोल, बढ़िया बेफिक्र। हां जी, फिर मिलते हैं 5 तारीख को शालीमार बाग में, जरूर आइएगा। बाय बाय।